अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं और सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने घर की खिड़कियाँ खोलती हूँ और उसके बाद जो बिखरा हुआ लाउंज होता है थोड़ा बहुत उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो वो जो है वो लेट आवर्स तक जाग रहे होते हैं, तो यहाँ वहाँ फैला देते हैं। तो सारी जगह ठीक कर लेने के बाद घर जो है ना वो सीरियसली इतना प्यारा लगता है कि आपका दिल चाहता है कि हाँ जी अब इधर जो है ना अब आराम से पूरा दिन गुजार सकते हैं। खैर, इसके बाद मैं आ गई थी किचन, और किचन में जो है वो रात को मेरी बेटी कुछ ना कुछ कुकिंग बेकिंग करती रहती है, तो पीछे से जो है वो थोड़ा बहुत चूल्हा गंदा होता है। वैसे वो साफ करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन ये है कि समटाइम्स भूल भी जाती है। तो ये मैं लगी हुई थी अपना जो है वो चूल्हा साफ़ करने, क्योंकि मैंने बनाना था अपने लिए नाश्ता और रात को मैंने खाना बहुत जल्दी खा लिया था, तो अभी मुझे लगी थी भूख। अदरवाइज़ मैं नाश्ता जो है वो बहुत लेट करती हूँ, तकरीबन 12-1 बजे तक करती हूँ, लेकिन अभी तकरीबन बज रहे हैं 6:15-6:30 और मुझे था कि चलो मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ते में मैं बस सिंपल चाय बना रही हूँ, और आज जो है ये मेरा चीनी का कंटेनर है, इसको मैंने भरना था। इसके साथ के 2 और कंटेनर है जो कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का एक ऑरेंज कलर का, और ये बहुत अच्छे हैं। ये टिन के बने हुए हैं और ये वाले कंटेनर्स जो हैं मेरे हस्बैंड बहरीन से लेकर आए थे, ये आइकिया के हैं। और अगर आपके कंट्री में आइकिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो खैर पाकिस्तान में आइकिया नहीं है, लेकिन बहुत से पेजेस चीज़ें बेच रहे होते हैं तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत पायदार चीज़ है, ये टिन की बनी हुई है और इसके अंदर जो है ना चूंटियाँ जा सकती हैं और ना ही इसके अंदर एयर टाइट होता है, इसमें हवा भी नहीं जाती और इसमें चीज़ ताज़ी रहती है। तो इसके एक कंटेनर में मैंने जो है वो रखा हुआ है अपना पत्ती, और इसमें रखी हुई है मैंने चीनी, और जो छोटा वाला डब्बा है उसमें मैंने इलायची रखी है, फिलहाल मैंने इलायची उसमें नहीं डाली हुई। और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और कल इस दूध के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने इतनी दफ़ा बताए जमील स्वीट का दूध था जिससे मैंने मलाई निकाली थी, और जी हाँ वो मलाई मैंने फ्रीज कर दी क्योंकि हम वो मलाई नहीं खाते। खैर एनीवेज, मैं बना रही थी अपने लिए सनी साइड अप एंड ब्रेड के स्लाइसेस, तो मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए और उसको मैंने टोस्ट कर लिया। मुझे असल में ब्रेड के ऊपर ना कोई भी चीज़ लगी हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे होता है ब्रेड जो है ना बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसे ही टोस्ट हुआ वो, उस पर घी बटर ऑयल कुछ भी ना हो, बस ड्राई रोस्टेड हो। और उसके बाद मैंने जब इसको टोस्ट कर लिया तो यही जो पैन था इसको मैंने साफ़ करके दोबारा रखा और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और आज मैं बना रही हूँ फ्राइड अंडा, जिसे नॉर्मली लोग सनी साइड अप बोलते हैं, मेरे बच्चे शुरू से सनी साइड अप बोलते हैं, तो बचपन की उनकी बड़ी प्यारी प्यारी यादें होती हैं ना उनको, मुझे याद है कि मैं ब्रेकफास्ट कराती थी और मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो इतना मुझे तंग करते थे ना नाश्ता करने के मामले में, इतना तंग करते थे कि मैं एक सनी साइड अप दोनों को इतनी मुश्किल से सुबह खिलाती थी मुँह में डाल डाल के। सीरियसली बच्चे जो है ना वो बचपन में खाने पीने में बड़ा तंग करते हैं, अभी बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए, उस तरह से तंग नहीं करते, बल्कि मोस्टली वो अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई बिलीव कि आपके जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना उनको अपने काम खुद करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको नहीं पता कि उन्होंने कहाँ जाना है क्या करना है, तो उनको आदत होनी चाहिए अपने काम करने की। अगर वो ये काम नहीं करेंगे ना तो वो सीरियसली, अगर आप हर वक्त स्पून फीडिंग करती रहेंगी ना अपने बच्चों को, उनको अपने काम करने की आदत डालें। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है वो सामने बच्चों के दस्तरखान बिछाती हैं, बच्चे मतलब जब वो बड़े भी हो जाते हैं, इवन लाइक 12-15 साल के भी हो जाएंगे, 15-20 साल के भी हो जाएंगे, तो उनके सामने दस्तरखान भी बिछता है, उनके सामने से बर्तन भी उठाए जाते हैं। माँ है माँ, शी इज़ नॉट अ मेट, ये याद रखिए। अपने बच्चों को अपने काम करने की आदत अगर आप लोग नहीं डालेंगे ना तो और कोई नहीं डालेगा, और कल जब वो कहीं जाते हैं ना वो वहाँ पर बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि यहाँ तो हमें काम करने वाला कोई बंदा ही नहीं है, हम किस तरह से काम करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों को जब वो मीन्स टीन एज में एंटर हुए थे ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना रूम सही करने की आदत डाली। फिर अब ये है कि मेरे दोनों बच्चे बड़े आराम से अपने लिए जाके खाना गर्म करके ले आते हैं। वैसे मैं खाना दोपहर का तो लगाती हूँ, रात को ही होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड, मैं तो खैर मोस्टली नहीं खाती, हस्बैंड को दे देती हूँ। जिस बच्चे ने भी खाना होता है वो अपने लिए खुद गर्म करके लेकर आता है और खुद अपना खाना खा लेता है। तो ये होता है कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग करना आपका काम है। खैर एनीवेज, आज जो है वो मैंने अपने ये एंट्री वे जो है ना आपको नजर आ रहा होगा इसको सही करना था,
एक तो यहाँ लाइट बहुत कम है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी की बॉटल पड़ी है, मेरे लैंप्स पड़े हैं। बस ये मैंने शुरू में जो चीज़ें ला के बस इधर रख दी थी, आज मुझे था कि इसको मैं प्रॉपरली ठीक करती हूँ। तो जब आप कोई जगह ठीक कर रहे होते हो ना, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उस जगह को सारा क्लीन कर देना। क्लीन मतलब सारी चीज़ें वहाँ से हटा दें ताकि आपके पास एक क्लियर कैनवस हो और आप उसको जैसे पेंटिंग करने के लिए होता है ना, आपको क्लियर कैनवस चाहिए होता है, उस तरह क्लियर जगह होनी चाहिए, क्लियर कैनवस होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने इस जगह को किस तरह से सही करना है। खैर ये सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ से हटा दी और उसके बाद ये था कि यहाँ पर क्योंकि ये डोरवे है, मतलब ये एंट्रेंस है मेरे घर की, तो मिट्टी विट्टी तो यहाँ पर बहुत आती है। मैं ट्राई करती हूँ, मैंने बाहर जो अपना मैट भी बिछाया वो बड़े साइज का बिछाया कि वहाँ से मिट्टी ये जो बीच में से चौकाठ में से जो सुराख होते हैं ना उसमें से ना आए। तो ये जो है ना मैंने इसको झाड़ू लगा दी थी एंड अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेने के बाद ही मुझे था कि इसको मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करूंगी। और हाँ जी, आज मैं अपने जो मॉप है, आप लोगों को याद होगा स्पिन मॉप जो है, इसका मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने। ये स्पिन मॉप मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिया था, गौर से सुन ले, पंजाब कैश एंड कैरी, और जो पहले वाला ऐसे रेक्टेंगुलर है वो मैंने CHD से लिया था। तो ये वाला मैंने 2490 कुछ इस तरह का लिया है और जो वो मॉप था वो 1400-1500, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत सी चीज़ें ली थी शायद उसके साथ लिया था। तो ये देखें, इसके साथ मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये इसके साथ एक अदद रॉड है और इसके अंदर एक हुक्सा लगा है जो इसको लॉक लगा हुआ है, और ये देखिए जब इसको थोड़ा सा खींचते हैं तो ये मूव करता है, ठीक है। ये लॉक लगा हुआ है, एक रॉड है इसके साथ, और ये जो है ना ये इसका मेन मॉप है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, सीरियसली इतना सॉफ्ट मॉप है कि आप इसको जब हाथ लगाते ना आपका दिल नहीं जाता इससे काम करने का, आपको होता है इसको पास रख लूँ मैं, जस्ट लाइक पेट नहीं होते। मेरे पास कैट थी सिड नाम की, वो भी ऐसी सॉफ्ट सी फ्लफी सी थी, और साथ में एक रीफिल भी दिया हुआ है और एक हैंडल दिया हुआ है और ये बकेट है, ठीक है, और ये इसका स्पिनर है। तो ये बकेट में अंदर पानी जाता है और स्पिनर से, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह करते हैं। और अच्छा मींस इसके अंदर बड़े आराम से जो है वो पानी आप थोड़ा सा भी डालें तो बहुत हो जाएगा, और इसको होल्ड करने के लिए जो एक हैंडल भी दिया हुआ है, और ये जो है इसका जो मींस जो मॉप है मेन मॉप, और इसके अंदर ये किस तरह फिक्स होता है मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरह से फिक्स करूँगी। तो इसको एक साइड जो है इस रॉड की वो मैं नीचे लगाऊंगी इसके मॉप के साथ। और देखिए अब पहले जब मैं लगा रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा मैंने पहले नहीं यूज़ किया हुआ, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे है कि मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाऊँ। पहले मैंने इधर से एंटर करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ, देन आई वॉज लाइक नहीं, ये जो इधर यहाँ पर ये रोलर सा लगा हुआ है इसको खोलना पड़ेगा। इसको मैंने ओपन कर दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये रॉड जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और ये पहले डालते रोलर और ये इंजेक्ट कर देते हैं ये, और उसके बाद जो है ना जब ये फिक्स हो जाता है तो आप इस रोलर को वापस ऊपर की तरफ ले आएं और इसको जो है वो टाइट कर ले ताकि ये जो आपका मॉप है खुले ना, ठीक है। अब इसका जो दूसरा सिरा है, ये जो लॉक है ना, इसके लॉक होने, लॉक जब खोलते हैं तो इसकी जो है लंबाई भी बढ़ जाती है, जितना आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको चाहिए उतने ही इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे अपने हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई एम अ टॉल पर्सन तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल, ये हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके बाद ये देखिए, ये इसका दूसरा सिरा जो है ना वो इधर जाएगा, ये वाला प्लास्टिक का यू कैन से हैंडल जिससे आप मॉप को पकड़ते हैं, थोड़ा सा ग्रिप आपकी अच्छी सी हो जाती है। तो खैर ये मॉप जो है ये मैंने इसको असेंबल कर दिया, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी है इसको यूज करना। ये जो मॉप है ये मैंने मंगवाया है अपने घर के बेडरूम्स के लिए, लिविंग एरिया के लिए, और जो मेरा दूसरा वाला मॉप है जो कि आप लोगों ने कल देखा था, मैं अपना मीन्स बैल्कनी साफ कर रही थी, वो मॉप मैंने किचन एंड मेरी बैल्कनी, दो बैल्कनीज हैं उनके लिए मंगवाया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत अच्छे फर्श बने हुए हैं, मतलब टाइलिंग हुई हुई है, तो मुझे है कि ये दो मॉप्स डिफरेंट होने चाहिए, बाहर वाला बाहर होना चाहिए और अंदर वाला जो है वो अंदर होना चाहिए। सो खैर ये आप देखें कि इसको किस तरह से यूज करते हैं, अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी। नीचे बकेट में पानी डालूंगी और ये ऊपर से ये स्पिन होता है, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा होगा इसके सारे जो है ये मॉप जो है वाइट जो इसके आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट ये निकले हुए इसको, ये बाहर है, लेकिन जब आप इसको गीला करते हैं ना तो ये खुद ही अंदर निचड़ के अंदर चले जाते हैं।
सो खैर इसके बाद मैं आपको दिखाऊं इसके जो बकेट है इसके नीचे जो है टायर्स भी लगे हुए हैं। तो टायर से आपको फायदा ही हो जाता है कि जब आप इसको मूव कर रहे होते हैं ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, वरना बिलीव मी इस तरह से अगर मॉप मैं खरीदूँ ना और इसको मुझे उठा उठा के फिरना पड़ेगा तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो खैर ये मेरा मॉप जो है वो मैंने रेडी कर लिया था क्योंकि मैंने अपना डोरवे आज साफ़ करना है, उसको साफ इन अ सेंस वो डेली उसमें झाड़ू तो लगती है, तो मुझे था कि इसको मैं आज अच्छी तरह से मीन्स डिक्लटर कर दूंगी, फालतू चीज़ें उठा लूंगी और जो जो जिधर डेकोरेट करने वाली वो मैं वहाँ रख दूंगी। सो खैर ये देखिए मैंने मॉप को पहले गीली साइड पे डाला, उसको अच्छी तरह गीला कर दिया और अब इसके बाद तब तक आपने इसका ना लॉक नहीं बंद करना होता जब तक, ये देखिए अब मैं लॉक बंद करूंगी तो ये स्टेबल हो जाएगा एक जगह पर, फिर बार बार नहीं खुलेगा। तो अच्छी तरह से मैंने पहले पानी में लगाया, फिर मैंने इसको निचोड़ दिया, अब जो है मैं इससे जो है मॉपिंग कर रही हूँ। सीरियसली इससे मॉपिंग करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली, जो कि मेरा दूसरा मॉप है उससे भी आसान है, बाहर के लिए वो ठीक है, किचन के लिए भी ठीक है, लेकिन ना ये ज़्यादा आसानी वाली चीज़ है। तो मुझे तो ये वाला मॉप बहुत ही अच्छा लगा है, बिलीव मी बहुत अच्छा लगा। अब ये देखिए मैं जब मॉप लगा रही हूँ और मैं ये जो बकेट है इसकी पैर से मैं हटा रही हूँ बड़े आराम से क्योंकि इसके नीचे टायर्स लगे हुए हैं, तो ये आगे चला गया, एक ही दफ़ा का खर्चा है। ये देखिए नीचे कितना अच्छा जा रहा है, कितना अच्छा अच्छी सफाई कर रहा है नीचे से भी। तो मुझे तो खैर ये मॉप बहुत ही अच्छा लगा है, मैंने सारा अच्छी तरह से मॉपिंग कर ली है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो है मॉपिंग करने के बाद नीचे से, क्योंकि झाड़ू जब आप पहले लगा लेते हैं ना मॉप करते हुए तो फिर नीचे ये गंदा नहीं होता, थोड़ा सा देखिए थोड़ी थोड़ी सा लाइट सा कलर हुआ है, लेकिन अगर मैंने एक किसी यूट्यूबर को देखा था, शी वॉज टेलिंग कि आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, आप मॉप लगा लें, सीरियसली आप तो और कीचड़ बना रहे हैं घर में ना, पहले थोड़ा सा मीन्स अच्छी तरह से झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा नहीं अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के बाद जो है ना जब मॉप करें तो बहुत साफ हो जाता है। तो ये मेरा जो है ये मैंने ये अपना जो है वो डोरवे जो है एंट्रेंस अपनी अच्छी तरह से मॉप कर दी और अब जो है ना मैं अपने जो सामने मेरा कंसोल पड़ा हुआ है इसको डेकोरेट करना शुरू करूंगी क्योंकि इट इज़ द मेन थिंग। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इस तरह करूंगी लेकिन फ्यूचर में आप मेरे घर में चेंजेस देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे मीन्स प्लान्स जो मैंने करने तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। फिलहाल मैं आपको ये जो अपना डोरवे के साथ जो है ये कंसोल पड़ा हुआ है ये रॉट आयरन का है और ये मेरा बहुत पुराना है, बिलीव मी ये मेरी बेटी से भी बड़ी में मीन्स एज में है क्योंकि ये मैंने जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैंने ये वाला ख़रीदा था। तो तकरीबन आप कह सकते हैं इट इज़ 17-18 ईयर्स ओल्ड और लेकिन इस पर कोई पेंट मैंने कभी नहीं करवाया, जैसा पेंट इस पर आया था वैसा ही पेंट इसके ऊपर लगा हुआ है, वही पेंट लगा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं लेकर आई। अच्छा किसी ने कल कहा था कि आपने कहा कि 20 इयर्स मेरी शादी को हो गए और आपने तो कहा था मेरी बेटी 20 इयर्स से ऊपर की है, मैंने कभी नहीं कहा जिंदगी में अपनी बेटी का कि मेरी बेटी 20 इयर्स से ऊपर की, मैंने हमेशा कहा शी इज़ अ टीनेजर। तो पता नहीं आप लोग सही से सुनते नहीं हैं और उसके बाद इतने आराम से शी वॉज लिटरली सेइंग एक्सप्लेन मी। देखिए मैं इधर आपको एक्सप्लेनेशंस देने के लिए नहीं बैठी हुई, मैं आपको एक बात जब बताती हूँ तो आप वो सुन लिया करें, आई एम नॉट हेयर टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू यू, सॉरी ये माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नेगेटिव भी होते हैं जो आपको ऐसे ही उठा के मुँह जो है कुछ भी मैसेज कर देते। खैर लीव इट, आई एम वेरी हैप्पी आई एम डेकोरेटिंग। सो ये आप देखिए मैंने इसके ऊपर जो है ना पहले इसको अच्छी तरह से नीट कर दिया, क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने इस पर रनर डाल दिया। अभी जो वुडन वाले आपको कैंडल स्टैंड नजर आ रही है ये भी मैंने कारपेंटर से बनवाए थे, पहले मैंने वो रखे लेकिन जब मैं घर डेकोरेट करती हूँ ना मैं 10 दफ़ा तो चेंजेस लेकर आती हूँ। तो खैर मैंने मुझे था कि इस ट्रे के अंदर मुझे सारी चीज़ें रखनी है जो भी रखना है। तो जब मैंने कैंडल इसको मैंने अच्छी तरह नीट कर दिया, साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने जब ये कैंडल स्टैंड इसके ऊपर रखा ना तो मुझे लग रहा था कि ये कैंडल स्टैंड्स जो है ना ये बड़े साइज़ के, और उसकी और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये एंट्रेंस पे पड़ा होगा तो ऑब्वियसली जब बच्चे या हस्बैंड घर एंटर होंगे वो कोई ना कोई चीज़ भी इस टेबल पे रखेंगे तो इधर टेबल पे कुछ रखने की जगह भी होनी चाहिए। तो ये कैंडल स्टैंड जो है ना वो मेरे माइंड में एक दफ़ा वो कहते हैं ना खलना शुरू हो गए थे कि नहीं मैंने ये नहीं रखना। तो फिर मैंने ये जो मेरा बोल है इसके अंदर मुझे कीज़ रखती हूँ मैं, तो मुझे था कि कीज़ भी होनी चाहिए, कैंडल्स भी होनी चाहिए, स्टैंड्स भी होने चाहिए, मतलब ये डेकोरेट परफेक्ट होना चाहिए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि यहाँ से कर लूँ वहाँ से कर लूँ लेकिन ये नहीं हो रहा था। खैर एनीवेज फिलहाल मैंने इसको रखा, मैंने साइड पे जो है अपने दो अदद आप कह सकते हैं कि लैम्प्स रखे, ये दोनों लैम्प्स मैंने मरी रोड से लिए थे
और ये दोनों लैंप्स परफेक्ट साइज के छोटे से इसके अंदर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो ये मैंने इधर रखे। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये बड़े वाले मैं कैंडल स्टैंड्स जो हैं वो इधर रखूंगी, तो खैर मैंने ये हटाए और मेरे ये जो दूसरे कैंडल स्टैंड्स हैं आपको याद होगा मेरे लिविंग रूम में पिछले घर में पड़े होते थे, तो ये वहाँ पर मैंने रख दिया। और ये मैंने चैनवन से लिए थे लॉन्ग को, बहुत पुरानी बात है। और ये बड़े प्यारे कैंडल स्टैंड्स हैं, वुडन हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, इसको आप पॉलिश करा सकते हैं। उसके आगे जो है ये मैंने अबू धाबी का जो है वो प्लेट है जो कि सुविनेयर होता है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। साथ में आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें दो कैंडल्स लगा ली हैं, मेरे पास बहुत सी कैंडल्स हैं, तो वो ये कि अब मैं हर हर जगह पे लगा लेती हूँ। फॉर ड्राइंग रूम भी मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। तो खैर ये मैंने यहाँ लगाया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा प्लग, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, तो मुझे था कि चलो ये एक्सटेंशन वायर जो है ना ये मैं लगा लेती हूँ। उसको कवर करने के लिए फिलहाल मैंने ये जो है दो अदद आप कह सकते हैं लैंटर्न्स हैं, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम से इंस्पायर्ड है, पुराने जमाने की इंग्लिश मूवीज से इंस्पायर्ड है। तो ये वाले लैंटर्न्स जो हैं ये मैंने रख दिए ताकि पीछे वाला हिस्सा जो छुप जाए। अब ये आप देख सकते हैं ये है पत्ते, ये जो है आर्टिफिशियल लीव्स होते हैं, आपको बड़े आराम से सस्ते मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं होते। तो ये मैंने डेकोर करने थे अपने इस पूरे एरिया में, मुझे था कि यहाँ पर मैं इनको डेकोर कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें मेरा जो है ये एंट्रेंस या एंट्री वे जो है वो बाकी सारा नीट एंड क्लीन हो गया। और यहाँ पर ये मैंने लैंप्स ऑन कर दिए हैं और मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। बिलीव मी इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो ये आप देखें कि ये जो एंट्रेंस है ये मेरी कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर चाबियाँ रखने की भी जगह बन गई है, यहाँ पर रनर भी है, यहाँ पर कोई चीज़ अगर बच्चे ला के रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लैंप्स ऑन है ना, ये एंट्रेंस मैंने आपको बताया इट्स वेरी डार्क, तो जब ये लैंप्स ऑन होते हैं तो ये जगह बहुत रोशन हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है और बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली डेकोरेशन कैसी लगी। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ लाइट ऑफ करने के बाद इसका लुक। ये देखिए ये लाइट मैंने इस जगह की एंट्रेंस की ऑफ कर दी है और ये है इसका फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरा एंट्रेंस, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि सुबह से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी डेकोरेशंस और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। मुझे आप लोग का बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, आई रियली एम ऑनर्ड कि आप लोग मुझे इतना सराहते हैं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।